एक क्रिसमस की भेंट। क्रिसमस से दो दिन पहले की बात थी। हैरी, कॉर्नेलियस, मोंटी और मैं एक स्नोमैन निर्माण करने में व्यस्त थे, जब फ्रिज अपने छोटी भतीजी एमिली के साथ आ पहुंचा और उसका परिचय देने लगा। फ्रिज ने कहा, एमिली दक्षिण से है और उसने पहले कभी बर्फ नहीं देखा है। उसे हमारी सर्दियों के बारे में कुछ नहीं पता। यह भी पता चला कि एमिली को क्रिसमस के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। वाल्डो, ये सांता क्लॉस कौन है? ठंडी हवा में कांपते हुए उसने मुझे पूछा। सांता क्लॉस, मैंने समझाया, क्रिसमस के समय मानव बच्चों को उपहार और खिलौने लाता है। क्या वो जानवर के बच्चों के लिए भी उपहार लाता है? एमिली ने पूछा। अच्छा, मैंने कहा, वह कई वर्षों से जंगल के इस पार नहीं आया है। मुझे लगता है कि वो मानव के बच्चों को मिलने में इतना व्यस्त है कि जानवरों के बच्चों को मिलने का उसके पास समय ही नहीं बचता। आपको लगता है कि अगर मैंने उसे पत्र लिखा तो वो आएंगे? एमिली ने पूछा। मुझे नहीं लगता, मोंटी ने कहा, मैंने खुद उसे आज तक नहीं देखा है। मैं भी नहीं देखा उसे, हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। देखा, सांता क्लॉस सिर्फ मानव बच्चों के लिए है, फ्रिज ने एमिली से कहा। इस ख्याल के बारे में भूल जाते हैं। चलो घर चलते हैं, नहीं तो तुमको जुखाम हो जाएगा। अगली सुबह मैंने देखा कि एमिली फ्रिज को पोस्ट बॉक्स की ओर खींच के ले जा रही थी। मैंने सांता क्लॉस को एक पत्र लिखा है, एक बड़े लिफाफे को लहराते हुए उसने कहा। मैंने उसे आने के लिए कहा है और मेरे लिए एक उपहार भी लेकर आने को बोला है। शुभकामनाएं, मैंने कहा, लेकिन अपनी आशाओं पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हें निराश नहीं देखना चाहता। वो आएंगे, अब देखना, एमिली रोने लगी। बेचारी एमिली, मैंने सोचा, क्रिसमस का दिन कल था। वह खुद को एक बड़ी निराशा के लिए तैयार कर रही थी, मुझे यकीन था। अचानक मुझे एक विचार आया, अगर एमिली सांता देखना चाहती है तो वह उसे देखेगी। मैंने तय किया था। मैं जल्दी से शहर गया और उपहार के लिए कुछ चीजें खरीद के वापस आ गया। मैं अपने इस विचार से बहुत खुश था और मैं क्रिसमस की सुबह को एमिली का चेहरा देखने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन मैं जल्दी उठकर तैयार हो गया। मैंने लाल सांता क्लॉस का सूट पहना जो मैंने खरीदा था। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं खुश था, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ मुझे नहीं पहचान पाती। मैंने अपने जूते पहनकर हो 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 बोलने की कोशिश की। फिर मैंने एमिली का उपहार लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। जब मैं फ्रिज के घर के पास पहुंचा, मैंने कई पहियों के निशान उसके घर के तरफ जाते हुए देखा। मैंने अनुमान लगाया कि फ्रिज ने अपने घर पर बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी रखी होगी। मुझे अजीब लगा कि मुझे कोई निमंत्रण कैसे नहीं मिला, लेकिन आज क्रिसमस था और आज के दिन सांता का हमेशा स्वागत किया जाता है। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे एमिली के छोटे नक्शे कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। नमस्ते वाल्डो, एमिली दरवाजा खोलते हुए चिल्लाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी आ गए, हम तुम्हारी ही इंतजार कर रहे थे, कृपया अंदर आए। मेरा इंतजार? वाल्डो? उसे कैसे पता था कि मैं आ रहा हूँ? क्या मैं सांता क्लॉस जैसे नहीं दिख रहा हूँ? मुझे तो ठीक से हो 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 बोलने का मौका ही नहीं मिला कि मैं उसके पीछे पीछे उनके बैठक कक्ष में चला गया। वहाँ फ्रिज, हैरी, कॉर्नेलियस और मोंटी सोफे पे बैठ के चाय पी रहे थे और हर एक सांता क्लॉस के रूप में तैयार होके आए थे। हम एमिली को निराश नहीं देखना चाहते थे, मोंटी ने समझाया। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। मैंने भी इसी के बारे में सोचा था। मैरी क्रिसमस तुम सब लोग को। जल्द ही एमिली ने अपने सारे उपहार खोले। फ्रिज ने एक सुंदर जैकेट दिया था।
सर्दियों में पहनने के लिए एक मोटी पैंट की जोड़ी मोंटी की ओर से था। हैरी की तरफ से एक ऊन की टोपी थी। कॉर्नेलियस ने हाथ के मोजे दिए थे। फिर एमिली ने मेरा उपहार खोला। ओह, लाल जूते, मेरा पसंदीदा रंग, उसने खुशी से कहा। चलो हम सब बाहर जाकर बर्फ में खेलते हैं। अब मुझे सर्दी नहीं लगेगी। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दिया। अब कौन हो सकता है? फ्रिज ने पूछा। सब तो यहाँ है। हम सावधानी से दरवाजे की तरफ गए। जब तक फ्रिज ने दरवाजा खोला, जो भी था वो जा चुका था। हमें उसकी गाड़ी बर्फ से ढके देवदार के पेड़ों के पीछे में गायब होते हुए दिख रहा था। सांता क्लॉज, एमिली ने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, लेकिन हमें सिर्फ धीमी गति में कोई हो 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 बोलता हुआ एक आवाज सुनाई दी। देखो, वह मेरे लिए एक उपहार लाया था, एमिली ने कहते हुए एक सुंदर लाल बर्फ में चलने वाली गाड़ी की तरफ इशारा किया। उपहार से लटकता हुआ लेबल पर लिखा था, सांता क्लॉज की तरफ से एमिली के लिए उपहार। मैं जानती थी कि वो आएंगे, मुझे पता था। एमिली खुशी में चिल्ला के नाच रही थी अपने नए बर्फ में चलने वाली गाड़ी के इर्द गिर्द। यह निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे अच्छा क्रिसमस का दिन था और एमिली को खूब मजा आया अपने नए बर्फ में चलने वाली गाड़ी पर शेयर करने का, वो भी उसके 5 सांता क्लॉज द्वारा खींच के। इससे हमें यही सीख मिलती है कि खुशियाँ बांटने से अच्छा लगता है। पेड़ और यात्री। एक बार सूखी भूमि के बीच में एक विशाल पेड़ अपना चौड़ा तना और कई शाखाओं के साथ खड़ा था। पेड़ सैकड़ों हजारों यात्रियों को आराम और पनाह देता था। 4 शहर और कई गांवों के पास स्थित होने के कारण पेड़ यात्रियों को आपस में मिलने के लिए सबसे बढ़िया जगह थी। एक दिन 2 यात्री एक लंबी सैर के बाद पेड़ के पास पहुंचे। उनकी मंजिल पास के शहरों में से एक था। गर्मी और धूप के कारण यात्रियों को पेड़ के नीचे आराम करने में बहुत खुशी मिली। थकावट की वजह से सब वही पेड़ के नीचे ढेर हो गए। ठंडी छांव और नरम हवा का आनंद लेते हुए वे थोड़ी देर के लिए सो गए। कुछ देर के बाद यात्रियों में से एक को भूख लगने लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भूखा यात्री खाने के लिए फल की खोज में पेड़ की तरफ देखने लगा। पेड़ पर कुछ नहीं मिलने पर वह यात्री पेड़ को कोसने लगा। ओ, यह सिर्फ एक बेकार का पेड़ है और इसके पास हमें खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फल और ना ही कोई सुपारी। यह किसी काम का नहीं है। अन्य यात्री ने उसे शांत रहने को कहा। फिर भी भूखे आदमी ने पेड़ को कोसना जारी रखा। पेड़ यात्री का कोसना बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुखी होके भी मजबूत आवाज में बोला, तुम इतने अकृतज्ञ कैसे हो सकते हो मेरी तरफ? बस तुम अपनी हालत के बारे में सोचो। जब इतनी गर्मी और सूखी धूप में यहाँ पहुंचे थे, मैंने तुम्हें एक शांत और आरामदायक जगह दी ताकि तुम आराम से सो सको। अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी तक मर गए होते। मैंने तुम्हारी जान कड़कती धूप से बचाई और तुम मुझे ही अपमानित कर रहे हो। यात्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत पेड़ से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आशीर्वादों के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। अपने आप को बदलो, दुनिया को नहीं। बहुत पहले लोग एक राजा के शासन के अधीन खुशी से रहते थे।
बहुत धन के साथ खुशी से अपना समृद्ध जीवन जी रहे थे और कोई दुर्भाग्य का आसार नहीं था। एक बार राजा ने ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और तीर्थ केंद्रों का दौरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पैदल यात्रा करके अपने लोगों के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया। दूर दराज के लोग अपने राजा के साथ बात करने के लिए बड़े खुश हो रहे थे। उनको गर्व था कि उनका राजा दयालु हृदय का था। यात्रा के कई हफ्तों के बाद राजा महल में लौट आए। राजा काफी खुश था कि उन्होंने कई तीर्थ केंद्रों का दौरा किया और अपने लोगों को एक समृद्ध जीवन जीते हुए देखा। उनको एक ही बात पर अफसोस था, पहली बार इतना लंबा रास्ता पैदल जाने के कारण राजा के पैर बहुत ही ज्यादा दुख रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से शिकायत की कि सड़कें सही नहीं थी और वे पत्थरों से भरे थे। उनको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उन लोगों के बारे में भी बहुत चिंतित थे जो हर दिन उन रास्तों पर गुजरते थे और उनका अनुभव उतना ही दर्दनाक होगा। यह सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने चमड़े के साथ पूरे देश के सड़कों को ढकने के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया ताकि उनके राज्य के लोग आराम से उन सड़कों पर चल पाए। राजा के मंत्री यह आदेश सुनकर दंग रह गए क्योंकि ऐसा कार्य के लिए हजारों जानवरों की बलि देनी पड़ेगी जिससे कि चमड़ा पर्याप्त मात्रा में मिले और इसके लिए पैसा भी बहुत खर्च होगा। आखिरकार मंत्रालय की ओर से एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आया और कहा कि उनके पास एक दूसरा सुझाव है। राजा ने सुझाव पूछा। मंत्री ने कहा कि चमड़े के साथ सड़कों को ढकने के बजाय क्यों न आप चमड़े का एक टुकड़ा उचित आकार में काटकर सिर्फ अपने पैरों को ढक ले। राजा यह सुझाव सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मंत्री के ज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने तुरंत अपने लिए चमड़े के जूते बनवाने का आदेश दिया और अपने सारे देशवासियों को जूते पहनने का अनुरोध किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया को बदलने के बजाय हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक घमंडी लाल गुलाब। एक सुंदर बसंत का दिन जंगल में एक लाल गुलाब खिला था। गुलाब ने चारों ओर देखा। बगल में खड़ा एक देवदार के पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मैं भी इतना प्यारा होता। दूसरे पेड़ ने कहा, प्रिय देवदार, दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने मुड़कर टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल में सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपने पीले सिर को उठाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? इस जंगल में कई खूबसूरत फूल हैं, तुम सिर्फ उनमें से एक हो। लाल गुलाब ने जवाब दिया, हर कोई मुझे देख रहा है और निहार रहा है। तब गुलाब ने एक नागफनी को देखकर कहा, उस बदसूरत कांटों वाला पौधा देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह कैसी बातें कर रही हो? कौन कह सकता है खूबसूरती क्या है? तुम्हें भी कांटे हैं? घमंडी लाल गुलाब गुस्से से देवदार के पेड़ को देखकर कहा, मुझे लगा आपकी पसंद अच्छी है, आप नहीं जानते कि सुंदरता क्या होती है। आप नागफनी के कांटों का मेरे कांटों से तुलना नहीं कर सकते। क्या घमंडी फूल है, पेड़ों ने सोचा। गुलाब अपने जड़ों को नागफनी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। दिन बीत गए
लाल गुलाब नागफनी को देखता और उसे अपमानित करता, जैसे ये पौधा बेकार है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि ये मेरा पड़ोसी है। नागफनी कभी भी गुलाब के बोलने को लेकर परेशान नहीं होता। यहाँ तक वह गुलाब को सलाह देता था कि भगवान एक उद्देश्य के बिना कोई भी जीवन का निर्माण नहीं करता। वसंत चला गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में जीवन मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। लाल गुलाब सूखने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैयों ने अपना चोंच नागफनी में चिपका दिया और फिर थोड़ी देर के बाद ताजा होके उड़ गए। यह हैरान कर देने वाली बात थी और लाल गुलाब ने पेड़ से पूछा, पक्षियां क्या कर रही थी? पेड़ ने समझाया, पक्षियों को नागफनी से पानी मिल रहा था। उसको चोट नहीं लगती जब पक्षियां छेद करती है? हाँ, लेकिन नागफनी पक्षियों को कष्ट में नहीं देख सकता था, पेड़ ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोलकर पूछा, क्या नागफनी में पानी है? हाँ, तुम भी इसे पी सकती हो। नागफनी से मदद मांगने पर गौरैया तुम्हारे लिए भी पानी लाएगी। लाल गुलाब को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ नागफनी से पानी मांगने के लिए, लेकिन अंत में उसको मदद के लिए पूछना ही पड़ा। नागफनी ने विनम्रता पूर्वक सहमति दी। पक्षियों ने पानी से अपना चोंच भरा और गुलाब की जड़ों को पानी दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें सिर्फ किसी का रूप देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। सोने के सिक्के और एक स्वार्थी मनुष्य। सैम एक लालची और स्वार्थी आदमी था। उसे बहुत बहुत पैसों की चाहत थी और वो बेझिझक दूसरों को धोखा देके पैसा बनाता था। इसके अलावा वह कभी भी किसी के साथ कुछ भी बांटने की कामना नहीं रखता था। और फिर एक दिन उसने एक सबक सीखा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक दिन ऐसा हुआ, सैम के पास से एक छोटी थैली मिल नहीं रही थी। थैले में 50 सोने के सिक्के थे। सैम ने हर जगह थैले को ढूंढा, लेकिन उसे थैला नहीं मिला। सैम के दोस्त और पड़ोसी भी खोज में शामिल हो गए, लेकिन उनका हर प्रयास बेकार गया। कुछ दिन के बाद सैम के लिए काम करने वाला एक आदमी की 10 साल की बेटी को थैला मिला। उसने इसके बारे में उसके पिता को बताया। उसके पिता ने थैले को देखकर तुरंत पहचान लिया और तुरंत अपने मालिक के पास लेके जाने का फैसला किया। उसने अपने मालिक सैम को थैला वापस कर दिया और उसमें 50 सोने के सिक्के हैं यह जांच करने के लिए कहा। सैम सिक्के देखकर प्रसन्न था, लेकिन उसने एक चाल खेलने का निर्णय लिया। सैम ने अपने कार्यकर्ता पर चिल्लाया और बोला कि इस थैले में 75 सोने के सिक्के थे और तुमने मुझे वापस सिर्फ 50 किए हैं। कहाँ है बाकी के सिक्के? तुमने चुराया है। कार्यकर्ता यह सुनकर चौंक गया और अपनी बेगुनाही की वकालत करने लगा। स्वार्थी और लालची सैम ने कार्यकर्ता की कहानी को स्वीकार नहीं किया और अदालत में इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। उन्होंने बेटी और कार्यकर्ता से थैले में सोने के सिक्कों के बारे में पूछताछ की और दोनों ने आश्वासन दिया कि थैले में सिर्फ 50 सिक्के थे। उन्होंने सैम को पूछा और सैम ने कहा, हाँ मिलोर्ड, थैले में 75 सिक्के थे और उन्होंने मुझे सिर्फ 50 दिए। इसलिए यह काफी स्पष्ट है कि उन्होंने 25 सोने के सिक्के चुराए हैं। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है
कि तुम्हारे थैले में 75 सिक्के थे। सैम ने सख्ती से सिर हिलाया। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। क्योंकि सैम ने 75 सोने के सिक्कों का थैला खोया था और लड़की को थैला 50 सोने के सिक्कों के साथ मिला, यह स्पष्ट है कि जो थैला मिला वो सैम का नहीं है, वो किसी और के द्वारा खोया हुआ थैला है। अगर किसी को 75 सोने के सिक्कों का थैला मिले तब मैं ये घोषणा करूंगा कि वो थैला सैम का है। 50 सोने के सिक्कों का कोई शिकायत नहीं होने के कारण मैं लड़की और उसके पिता को आदेश देता हूं कि उनकी ईमानदारी के लिए वह ये 50 सिक्कों का थैला ले ले। इससे हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा और लालच को दंडित किया जाएगा। बेकार के मित्र। एक खरगोश जंगल में रहता था। उसके कई दोस्त थे। उसको अपने दोस्तों पर गर्व था। एक दिन खरगोश को जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह बहुत डर गया था। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। वह जल्दी से उसके दोस्त एक हिरण के पास गया। उसने कहा, प्रिय मित्र, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम उन जंगली कुत्तों को अपने तेज सींग के साथ भगा सकते हो? हिरण ने कहा, यह सही है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं व्यस्त हूँ। आप भालू से मदद क्यों नहीं लेते? खरगोश भालू के पास दौड़ा। मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत ताकतवर हो, मेरी मदद करो। कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कृपया करके क्या आप उनको भगा सकते हो? खरगोश ने भालू से अनुरोध किया। भालू ने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है और मैं थक भी गया हूँ। मुझे खाना खोजना पड़ेगा। कृपया करके मदद के लिए बंदर के पास चले जाओ। बेचारा खरगोश बंदर, हाथी, बकरी और उसके अन्य दोस्तों के पास गया। खरगोश दुखी होके वापस आ गया, क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसको समझ में आ गया कि उसको खुद से सोचना पड़ेगा इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। तुरंत वह एक झाड़ी के नीचे छिप गया। बिना कोई हलचल किए वहीं पे पड़ा रहा। जंगली कुत्तों को खरगोश नहीं मिला और फिर वे अन्य जानवरों का पीछा करते हुए भाग गए। खरगोश को सीख मिली, उसे खुद से अपनी जान बचानी चाहिए, ना कि अपने बेकार दोस्तों पर निर्भर रहना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। एक तांबे के सिक्के का मूल्य। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, एक बहुत ही विशेष व्यक्ति थे। ये कहानी हमें बताता है किस कारण से उन्हें महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। एक बार गांधी जी एक संगठन की तरफ से गरीबों की मदद करने के लिए विभिन्न शहरों और गांवों से धन इकट्ठा करने के लिए एक अभियान पर निकले थे। वे कई जगह गए और घूम फिर के उड़ीसा पहुंचे। उन्होंने वहां एक बैठक का आयोजन किया। वहां उन्होंने लोगों को भाषण देते हुए संगठन को कुछ धन दान करने का अनुरोध किया। अपने भाषण के अंत में एक बूढ़ी औरत, फटे पुराने कपड़ों में, सफेद बाल, सिकुड़ा हुआ चेहरा और झुकी हुई पीठ के साथ उठी। उसने स्वयं सेवकों से अनुरोध किया कि उसे गांधीजी तक पहुंचाने की अनुमति दे।
लेकिन स्वयंसेवकों ने उसे रोक दिया। उसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। बूढ़ी औरत ने उनके साथ झगड़ा किया और अंत में गांधी जी तक पहुंच ही गई। उसने गांधी जी के चरण छुए। फिर उसने एक तांबे का सिक्का, जो उसकी साड़ी की परतों में रखा था, बाहर निकालकर उसे गांधी जी के पैरों पे रख दिया। फिर बूढ़ी औरत मन से उतर गई। गांधी जी ने बड़ी सावधानी से वह सिक्का लिया। गरीबों के लिए संगठन के कोषाध्यक्ष ने गांधी जी से तांबे का सिक्का मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मेरे पास हजारों रुपए मूल्य के चेक है, कोषाध्यक्ष ने कहा। फिर भी आप एक तांबे के सिक्के के लिए मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे? गांधी जी ने कहा, यह तांबे का सिक्का उन हजारों से अधिक मूल्य का है। अगर एक आदमी अपने लाखों रुपए में से 1-2 हजार दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम देख रहे हो, यह सिक्का हो सकता है बूढ़ी औरत के पास एकमात्र वस्तु हो। उसके पास पहनने के लिए उचित कपड़ा भी नहीं था और अच्छा खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसके पास जो था उसने सब दे दिया। यही कारण था कि गांधी जी ने वो सिक्के को सबसे कीमती वस्तु माना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कम से कम भी मूल्यवान जरूर होता है, या तब भी मदद करना चाहिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो। भेड़िया और मेमना। एक दिन एक छोटा मेमना भेड़ के झुंड के साथ मैदान में घास चर रहा था। बहुत शरारती होने के कारण छोटा मेमना झुंड से थोड़ा दूर भटक गया। वहां उसे घास बहुत स्वादिष्ट लगने लगा और उसे बड़े चाव से खाने लगा। मेमना अपने झुंड से काफी दूर आ गया था, इस बात से वह अनजान था। मेमना एक और सत्य से अनजान था। एक भेड़िया बारीकी से उसका पीछा कर रहा था। जब भेड़ के बच्चे को एहसास हुआ कि वह अपने रास्ते से खो चुका था और झुंड से काफी दूर चला गया था, उसने वापस जाने का फैसला किया। तभी एक भूखा और चालाक भेड़िया उसके पीछे खड़े देख मेमना दंग रह गया। भेड़ के बच्चे को एहसास हुआ कि आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेमना भेड़िये से पूछा, क्या आप मुझे खाने वाले हो? भेड़िये ने कहा, किसी भी कीमत पर। मेमना फिर से बोला, लेकिन क्या आप कृपया करके कुछ अधिक समय के लिए इंतजार कर सकते हैं? मैंने बहुत अधिक घास खा लिया है और मेरा पेट घास से भर गया है। यदि आपने मुझे अभी खाया तो आपको लगेगा कि आप घास खा रहे हो। तो जब तक घास बच नहीं जाता, कृपया आप प्रतीक्षा करें। भेड़िया मान गया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब तक तुम मेरे सामने हो तो फिर मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। मेमने ने भेड़िये को धन्यवाद किया। कुछ देर के बाद भेड़िया भेड़ के बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेमने ने उसे फिर से रोक दिया। प्यारे भेड़िये, कुछ और समय के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। घास अभी तक पचा नहीं। अगर आपने मुझे अभी खाया, आपको मेरे पेट में बहुत घास दिखेगा। मुझे थोड़ा नाचने दो और फिर ये आसानी से पच जाएगा। भेड़िया मान गया। छोटा मेमना थोड़ी देर के लिए पागल जैसे नाचने लगा और फिर अचानक से रुक गया। भेड़िया ने कारण पूछा। मेमना बोला, मैं ठीक से नृत्य नहीं कर सकता,
क्योंकि कोई संगीत ही नहीं है। मेरी गर्दन में लटक रहा इस घंटी को देख रहे हो? क्या आप इस घंटी को खोल के इसे जोर से बजा सकते हो? तब मैं नृत्य कर सकता हूँ और मेरे पेट में जो घास है वो भी जल्दी पच जाएगा। भेड़िया मेमने को किसी भी कीमत पर खाना चाहता था, इसी वजह से वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने मेमने के गले पे टंगी घंटी को निकालकर उसे पूरी ताकत के साथ बजाने लगा। इस दौरान चरवाहा मेमने को ढूंढ रहा था और उसने घंटी की आवाज सुनी। उसने भेड़िया और मेमने को देखा। चरवाहा एक छड़ी के साथ भेड़िये की तरफ भागा। चरवाहे को छड़ी के साथ देखकर भेड़िया भाग गया और मेमना बच गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी कमजोर लोग होशियारी से ताकतवर लोगों पर काबू पा सकते हैं। बाड़ में एक छेद। एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह उनका इकलौता बेटा था। छोटे लड़के के माता पिता उसके गुस्से से उदास थे। लड़के को बहुत जल्दी गुस्सा आता था और दूसरों को अपने शब्दों से ताना कोसता था। उसके बुरे गुस्से के वजह से वह दूसरों पर शब्दों का प्रयोग करता था जिससे उनको चोट पहुंचती थी। उसने अपने क्रोध के कारण बच्चों को, पड़ोसियों को और यहां तक कि अपने दोस्तों को भी डांट चुका था। उसके मित्र और पड़ोसी हमेशा उसे टालते थे और उसके माता पिता उसके बारे में बड़े चिंतित थे। उसके माता पिता ने कई बार उसको सलाह दी कि उसको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और दयालुता से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य से उनके सारे प्रयास असफल हो गए। अंत में लड़के के पिता के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जब भी उसे गुस्सा आने लगेगा एक कील बाड़ पर ठोक देना जिससे उसका गुस्सा चला जाएगा। छोटे लड़के को यह बड़ा मनोरंजक लगा और उसने कार्य को स्वीकार कर लिया। हर बार जब भी उसको गुस्सा आता वह दौड़कर बाड़ की तरफ जाता और उस पे कील ठोक देता। उसके गुस्से के कारण उसने पहले दिन ही बाड़ में 30 बार कील ठोक दिए। कुछ दिन के बाद बाड़ पर ठोकी गई कीलों की संख्या आधे से कम हो गई। छोटे लड़के को हथौड़े के साथ कील ठोकने में मुश्किल लगने लगी और उसने अपना गुस्सा नियंत्रित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे बाड़ में ठोकी गई कीलों की संख्या कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब कोई कील ठोकी नहीं गई थी। उस पूरे दिन लड़के को गुस्सा ही नहीं आया और अगले कुछ दिनों के लिए उसको गुस्सा ही नहीं आया और उस दिन से उसे कोई कील या हथौड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब लड़के के पिता ने उसे कहा कि जब भी उसका गुस्सा नियंत्रण में रहेगा तब बाड़ में लगे सारे कीलों को निकालेगा। कई दिन बीते और लड़के ने बाड़ में लगे सारे कीलों को निकाल दिया। फिर भी ऐसे बहुत सारे कील थे जो वो नहीं निकाल पाया। लड़के ने अपने पिता को इसके बारे में बताया। पिता ने लड़के की सराहना की और उन्होंने छेद की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वहां क्या दिखता है? लड़के ने कहा, बाड़ में एक छेद। फिर उन्होंने लड़के को कहा, कील तुम्हारा गुस्सा था जो तुमने लोगों पे उतारा। तुम कीलों को निकाल सकते हो लेकिन बाड़ में छेद हमेशा रहेगा। बाड़ अब कभी भी पहले जैसे नहीं दिखेगा।
उसके ऊपर अब निशान पड़ चुके हैं। कुछ कीलों को बाहर भी निकाल नहीं सकते। तुम एक चाकू के साथ एक आदमी पर वार कर सकते हो और बाद में माफी भी मांग सकते हो, लेकिन वो घाव हमेशा के लिए रहेगा। ठीक उसी तरह तुम्हारा बुरा गुस्सा और गुस्से में कहे शब्द। बुरे शब्दों का प्रयोग शारीरिक शोषण की तुलना में अधिक दर्द देता है। अच्छे उद्देश्यों के लिए शब्दों का प्रयोग करो। रिश्तों को विकसित करने के लिए उनका प्रयोग करो। प्यार और अपने हृदय में दया दिखाने के लिए उसका उचित प्रयोग करो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निर्दय शब्दों का प्रयोग जीवन भर नुकसान ही करेगा। तो हमारे शब्द हमेशा दयालु और मीठा होना चाहिए। शेर और चूहा। एक बार जंगल का राजा शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा उसके ऊपर नीचे भागने लगा। इससे शेर जाग गया और उसने अपने बड़े पंजे में चूहे को दबोच लिया। उसे निगलने के लिए अपना बड़ा मुंह खोला। छोटा चूहा चिल्लाया, हे राजा, मुझे माफ कर दो। इस बार मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और कौन जानता है किस दिन मैं आपके काम आ जाऊं? शेर चौंक गया यह सोच के कि एक चूहे में उसकी सहायता करने की योग्यता है। और फिर शेर ने अपना पंजा उठाया और चूहे को जाने दिया। कुछ समय बाद एक दिन शेर शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया। शिकारियों ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर जाल को एक पेड़ से बांध दिया और गाड़ी की बंदोबस्त करने चले गए ताकि वो शेर को एक चिड़ियाघर में छोड़ सके। उसी समय छोटा चूहा उधर से गुजर रहा था। शेर की हालत देखकर चूहा भागकर शेर के पास पहुंचा और सारे रस्सियों को काट दिया जिससे जंगल का राजा फंसा हुआ था। छोटे चूहे ने कहा, क्या मैं सही नहीं था? शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दूसरों के प्रति दयालुता के छोटे से छोटे कार्य का भी फल मीठा ही होता है। ताकतवर या कमजोर। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जो हमेशा गर्व से भरा रहता था। वह बहुत ही ऊंचा और ताकतवर था। उसी के बगल में एक छोटा सा पेड़ था। बड़ा पेड़ हमेशा कहता था, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ और देखने में भी बहुत अच्छा हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। यह सुनकर छोटा पेड़ कहता, प्यारे दोस्त, बहुत ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं है। बड़े से बड़ा और ताकतवर भी एक दिन गिर जाता है। और बड़ा पेड़ हमेशा छोटे पेड़ की बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसने अपनी प्रशंसा करनी जारी रखी। जब कभी हवा चलती, बड़ा पेड़ मजबूती के साथ खड़ा रहता। जब कभी भी बारिश होती, तब भी वह अपनी पत्रियों को फैला के मजबूती के साथ खड़ा रहता। जबकि छोटा पेड़ और ज्यादा झुक जाता। इस वजह से बड़ा पेड़ छोटे पेड़ का मजाक भी उड़ाता था। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया जंगल में। छोटा पेड़ हमेशा की तरह झुक गया, जबकि बड़ा पेड़ हमेशा की तरह सीधा खड़ा रहा। तूफान और ज्यादा तेज हो गया और ये सब बड़ा पेड़ सह नहीं पाया, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। ये एक अभिमानी पेड़ का अंत था। जब सब कुछ सामान्य हो गया, छोटा पेड़ सीधा हुआ और उसने अपने आसपास देखा।
उसने देखा कि बड़ा पेड़ जमीन पे पड़ा हुआ है। यह देखकर वह बोला, प्यारे पेड़, अगर तुम घमंड ना करते तो आज तुम यूं जमीन में ना पड़े रहते। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि घमंडी इंसान चाहे वह कितना भी बड़ा या ताकतवर हो, हमेशा गिरता ही है। व्यापारी और उसका गधा। एक सुंदर वसंत सुबह एक व्यापारी ने अपने गधे के पीठ पर नमक की बोरियां लादकर उसे बेचने बाजार के लिए निकला। व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे। दोनों ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में एक नदी आ गई। दुर्भाग्यवश गधा फिसल गया और नदी में गिर गया। जैसे तैसे गधा नदी के तट तक पहुंचा, गधे ने देखा कि उसके पीठ पर जो नमक की बोरियां थी वो हल्की हो चुकी थी। व्यापारी कुछ नहीं कर पाया और अपने गधे के साथ वापस घर चला गया। घर पर पहुंचते ही व्यापारी ने गधे के पीठ पर नई बोरियां लादकर वापस बाजार की तरफ चल पड़ा। गधा इस बार जानबूझकर पानी में फिर से गिर गया। इस प्रकार सारा नमक फिर से बर्बाद हो गया। अब व्यापारी को गधे की चाल समझ में आई। व्यापारी अपने गधे को सबक सिखाना चाहता था। जैसे ही व्यापारी दूसरी बार अपने गधे के साथ घर पर पहुंचा, व्यापारी ने बोरियों को रुई से भरकर गधे के ऊपर लाद दिया। दोनों फिर से तीसरी बार बाजार के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। नदी पहुंचने पर गधा बहुत चतुराई से फिर से पानी में गिर गया, लेकिन अब बोरिया हल्के लगने के बजाय भारी लगने लगी। व्यापारी गधे पर हंसा और कहा, मूर्ख गधे, तुम्हारे चाल का पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी किसी को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता।